क्या कर रहे हो भाई लोगो? एक फोन चला रहा है, एक आईपैड चला रहा है। देखो भाई, छुट्टियां और क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, होमवर्क कर ले सारा। तू क्या देख रहे था आईपैड में? मेरे आते ही गाइस बंद कर देता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तभी गाइस उठ गया हूँ मैं फिलहाल, अभी उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मेरे को जाना है हॉस्पिटल। मेरी शायद दवाई खत्म हो गई है। एक्चुअली मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, एक महीने से मैं दवाई खा रहा हूँ खांसी की, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही और रात भर मेरे को नींद ही नहीं आती यार। मैं सुबह 5 बजे सोया लिटरली, रात भर खांसते खांसते, ऊपर से गले में भी दर्द, खांसते खांसते मेरे गले में दर्द हो गया। और आज कुनाली को भी लेके आना है, कुनाली अपनी मम्मी के मायके गया हुआ है ना, तो चलो। तो भी गाइस फिलहाल नहा के रेडी हो गया हूँ मैं, और आज मैंने टोपी उतार दी है फाइनली बहुत दिनों के बाद, तो आज ऐसी रहेंगे बिना टोपी के। अब फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट तो आ गया, दाल रोटी एंड दोनों भाई यहाँ बैठे मस्त धूप में। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं कुनाली को लेने के लिए। और डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर बोल रहे कि शाम को आना, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है हॉस्पिटल में, तो शाम को ही जाऊँगा मैं। अच्छे से मतलब डॉक्टर से बात करके आऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही। गाइस मतलब आप सोच सकते हो, मैं पूरे एक महीने से लगातार रोज़ गोलियाँ खा रहा हूँ, रोज़ दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरे अंदर पूरी दवाइयों की स्मेल हो गई है पूरे अंदर, पूरी बॉडी के। तो हाँ, लेकिन ठीक हो नहीं रहा, मेरी जो खांसी है ना और गले का दर्द, वो ठीक नहीं हो रहा है। इतनी चार पाँच गोलियाँ खा रहा हूँ मैं। तो हाँ, आज डॉक्टर अच्छे से बताऊंगा, देखते हैं क्या सीन होता है, क्योंकि हमको 10 दिन के बाद दुबई भी जाना है। अगर मेरी खांसी नहीं रुकी, मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज वहाँ रोक लेंगे एयरपोर्ट पर कि भाई तुमको कोविड है या फिर कुछ तबियत खराब होती तो नहीं जान देते ना। तो चलो गाइस, अब चलते हैं थार लेके, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन चलाई नहीं यार। अरे पीयूष बैठ जा। तो अभी गाइस घर से निकल गए, तो अभी हम जा रहे हैं पीयूष के मायके। कुनाली, कुनाली आ चुका है घर। चलना है नहीं चलना? चलना है। छुटकारा था व्यूदा से इतनी लड़ाई करने के। तो फाइनली कुनाली मिल चुका है बहुत दिनों के बाद। हम सबकी तबियत खराब हो रखी थी ना, इसलिए कुनाली को यहाँ भेज दिया हमने। ये वाला घर बेटर है ना हमारे घर से? ऑब्वियसली इसको थोड़ा पूरा खुला खुला है, रिन्यू कर देते हो। यहाँ पे हरी सब्जियां भी हैं। कुनाली को मजे आते होंगे ना? पीयूष को पकड़ लिया यहाँ पे। बचपन का छोटा भाऊ है, बचपन से ही छोटा भाऊ। बचपन से क्या छोटा भाऊ है? अच्छा, आपने खिलाया इसको? अब ये कभी कभी अब आता ही नहीं है ये। अब बताओ, सुगाई मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं घर। सुगाई देखिए पैसे मिले, पैसे मिले। चलो भाई अब चलते हैं घर। कुनाली पहुँच गए, घर पहुँच गए। आ गया तू? इतना कमजोर? वहाँ कुछ नहीं मिला? नहीं। देख कितना कमजोर हो रहा है, देख। दूध भी नहीं पिया वहाँ? पिया था। नहीं भाई, दूध पिया तो हो ही नहीं रहा है, देख कितना कमजोर हो रहा है। और तूने मेरे से बात क्यों नहीं करी वहाँ? एक दिन भी मेरी याद नहीं आई तेरे को? झूठ मत बोल, सारी झूठ है। कितना पतला नाक हो गया इसका, देखिए देख। तो कुनाली को ले घर पहुंच गए, और अभी मम्मी जा रही है सब्जी लेने के लिए मंडे मार्केट से। सुनो, हरी सब्जी लेके आना, जो बड़े हो गए तब भी पियोगे इससे? फिर अभी बड़ा नहीं हुआ है? अभी बड़े नहीं हुए आप? 7 साल का हो गया, अभी बड़ा नहीं हो रहा। तो अब चलते हैं बड़ी मम्मी को छोड़ने के लिए मंडे मार्केट तक, सब्जी लेने के लिए ना। जल्दी आओ, जल्दी। आप भी जा रहे हो क्या? बड़ी दिक्कत है मेरे लिए, ऊंची है ना? ऊंची नहीं है, तू फिट नहीं है, बात ऊंची की नहीं होती। हाँ सही बात, तो पापा जी कहाँ पहुँच जाते? पापा जी की बिल्कुल सही बात है, पापा जी कह रहे हैं आप फिट नहीं हो। फिट नहीं है, मैं तो खैर फिट नहीं हूँ। तो अभी हम पहुँच गया मंडे मार्केट, तो यहीं पे जाएगी मम्मी। तो गाइस एक और बैड न्यूज है कि साहिल को भी अब चिकन पॉक्स स्टार्ट होने लग गया। अभी कुछ दिन पहले सौरदा को हुआ था ना, सौरदा को तो ठीक हो गया, अब साहिल में फैल गया हो। ये देखो साहिल के एक आईब्रो पे, एक यहाँ पर मुँह पे, तो पेट पे हो रहा है, पेट पे पूरी बॉडी में दाने होने लग गए। दूर है तो दूर है, मेरे को भी हो सकता है कुछ कभी भी। पता नहीं गाइस सैलू कैसे हो गया, सैल तो मेरे पास भी नहीं आया, इसने तो मेरे को टच भी नहीं किया, पता नहीं सैलू कैसे हो गया। और ये लाइफ में एक टाइम सबको होता है, तो मेरे को हो चुका है, अब सैल को भी स्टार्ट हो गया। पीयूष कुनाली बची मत करो यार, मैं सरदा के पूरा लग जाता हूँ, ताकि सैल देने लगे थे तो सैल लग हो गया इसलिए। अब मैं सैलू कह रहा हूँ, सैल तो सबसे अलग रहा है, हमसे अलग रहा है। सैल को मैं अपना रूम दे रहा हूँ, अपना रूम सैल को दे रहा हूँ कि तू मेरे रूम में रह भाई, मस्त, रूम से बाहर मत निकलो जब तक ठीक नहीं होता। चल भाई जा मेरे रूम में जा। अब सैल 15 दिन के लिए क्वारंटीन होंगे, उनको अब ब्लॉग में नहीं देख पाओगे। चीजों को मत छेड़ियो, मेरी कपड़े वपड़े मत छेड़ियो, यहीं पे रहूंगा यहीं पे। तो ये मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो मैं साहिल के लिए लोशन ले आऊंगा, जो लोशन मैं लगा रहा था ना वो साहिल के लिए ले आऊंगा, और दवाइयाँ ले आऊंगा साहिल के लिए। बस पीयूष और कुनाली को ना जाए, बिकॉज हमने तो सहन कर लिया भाई, इतनी इचिंग होती है ना, इतना गले में दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। पीयूष कुनाली सहन नहीं कर पाएंगे यार, इनको ना हो जाए बस। अरे मैं सब सहन कर लूंगा, हो जाए, मैं तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, स्कूल की छुट्टी 10 दिन के लिए, और दोबारा विंटर वेकेशन पड़ जाएगी। पागल तो नहीं है? साहिल के लिए वो लेने चले नीम, नीम के पत्ते। अरे हाँ, बुखार भी आएगा, सिर दर्द भी होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, गले में दर्द होगा, जैसे हिला भी नहीं जाएगा। गाइस ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज साहिल तो मेरे पास भी नहीं आया यार, साहिल को पता नहीं कैसे हो गया चिकन पॉक्स। तो फाइनली मिल गया नीम का पेड़, तो यहाँ से तोड़ते हैं। सो गाइस अभी सौरदा नीम के पत्ते तोड़े, चोरी करना। तो गाइस नीम के पत्ते ले लिए, ले सब्जी, हरी सब्जी लाए। तो गाइस हमारी सारी सब्जी आ चुकी है एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते तक हम यही खाएंगे सब। मेन तो हरी सब्जी है, अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग हो रही सब्जी की। अरे ये तो मेरी फेवरेट है, पापा की है।
तो भी गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, अब मैं आता हूँ हॉस्पिटल और मैं अपनी दवाई लेके आता हूँ। तो भी घर से निकल गया, मैं अकेले निकल गया हॉस्पिटल जाने के लिए। जल्दी जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ और दवाई अच्छे से लेके आता हूँ। भाई मेरे माइंड में तो सिर्फ दुबई जाना आ रहा है, क्योंकि दुबई जाना कैंसिल ना हो जाए खांसी की वजह से। तो भी अंधेरा भी होने ही वाला है तो मैं चलता हूँ। तो गाइस फाइनली डॉक्टर को दिखा लिया, दवाइयाँ ले लिया फिर से, अभी दवाइयाँ फिर से खानी पड़ेंगी मुझे। चलो अब चलते घर। तो अभी घर पहुँच गए, डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं, हो जाएगा जल्दी ठीक, तो होपफुली बस हो जाए, दुबई से पहले हो जाए। मम्मी जी मैं दवाई तो ले आया अपनी, तो फिलहाल अब खाना खाते हैं फिर दवाई लेंगे। क्या बनाया आज? आज मस्त पनीर बनाया, लेकिन पनीर पता है क्यों बनाया गाइस? ये देखो बस, अब समझ जाओ, समझ गए होंगे सारे कि क्यों बनाया। मैंने कुछ बोला नहीं मम्मी, लोग खुद ही समझ गए होंगे। तो आज मेरे रूम में तो साहिल है, इसलिए मम्मी अब आगे रूम में आ गए खाने के लिए, और यहाँ पे खा रहा है साहिल अपना खाना मस्त। जो एक्सपीरियंस मैंने लिया था वो साहिल ले रहा है देखो। तो गाइस खाना फिनिश। मम्मी जी आज पनीर क्यों बनाया? पता नहीं आपको? मेरे को पता है। और ये साहिल के लिए नीम के पत्ते, आज साहिल इसमें सोएगा। क्या कर रहे हो भाई लोगों? एक फोन चला रहा है, एक आईपैड चला रहा है। देखो भाई छुट्टियां और क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, होमवर्क कर ले सारा। कुनाली होमवर्क कर ले अपना, तू क्या देखता रहता है आईपैड में? मेरे आते ही गाइस बंद कर देता है ये। देखता क्या तू ऐसा? दिखा तेरी हिस्ट्री दिखा, क्या देखता? दिखा, देखते हैं आईपैड में क्या देखता है। देखो शॉर्ट्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं ऐसी। कुनाली आप क्या देख रहे हो? भूख लग रही है, कुछ मंगा लो। खाना खा ले, खाना बना हुआ है। पनीर की सब्जी, पनीर की चार रोटी खा रही फिर भी भूख लग रही है। पता नहीं यार, गाइस चार रोटी तो मैं भी नहीं खाता, मैं भी तीन रोटी खाता हूँ, कह रहे चार रोटी खा रही फिर भी भूख लग रही है। गाइस मुझे चल गया पता है क्या देखते हैं, पिछले आधे घंटे से इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के, कि दोनों देख क्या रहे हैं। तो ये काफी सही चीजें देख रहे हैं यार, शॉर्ट्स में ना काफी नॉलेजेबल चीज आ रही है, कि उसने ये कर दिया, उसने ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मतलब काफी मतलब नॉलेज वाली चीजें हैं। देखो इसके फोन में क्या आ रहा है, इसके फोन में ये माइंड गेम है, ठीक है, ये भी कुछ माइंड का है। देखने भी दोगे आप? देखने भी दोगे आप? मतलब मैं देख रहा हूँ एक भी खराब शॉर्ट्स नहीं आया अभी तक। तो वैसे देखा जाए तो ये सब चीजें इनके लिए सही है, मतलब नई नई चीजें इनको देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही है, जो कि यूजुअली नहीं होती हैं। कुछ क्रिएटिव चीजें आ रही हैं, कुछ नए माइंड गेम्स आ रहे हैं, तो इससे बच्चों का दिमाग भी खुलता है। लेकिन ज्यादा टाइम तक देखना ना वो बेकार है। जैसे कुनाल ही है, सिर्फ 5-6 साल का है, लेकिन इसको भाई इतनी सारी चीजें पता है ना, जो कि भाई जब मैं 5-6 साल का, मैं 10 साल का था, मैं 15 साल का था, मुझे तब भी नहीं पता था, लेकिन इसको इतनी सारी चीजें पता होंगी। इतनी ऐसी मैच्योर वाली बातें कर देता है, क्योंकि देखता रहता है ना चीजें। ये सही भी है गलत भी है, इसको अच्छी तरह से यूज करोगे तो सही है, गलत तरह से यूज करोगे, ज्यादा यूज करोगे एडिक्टिव हो जाओगे तो बेकार है। तो मेरा दूध आ गया, हल्दी वाला दूध। बेटा क्यों नहीं कर रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? चलो अब है? चलो अब चाचा जी आ गया, पढ़ाएंगे इसको। लो भाई ये देखो, पढ़ाई के नाम पे देखो रोन लग जाएगा। कुनाली फोन चलाने में तो मजा आ रहा था आपको, पढ़ाई करने में मजा नहीं आता? आपको टेक्नो गेमर पसंद है? टेक्नो गेमर की स्पेलिंग पता है आपको? टेक्नो गेमर की स्पेलिंग पता है? बताओ। तो टेक्नो गेमर की स्पेलिंग कैसे आएगी आपको, सर्च कैसे करोगे? टाइप करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पहले अच्छे से पहले आपको ABCD सीखना पड़ेगा, फिर वर्ड सीखने पड़ेंगे, फिर सेंटेंस। बताओ टेक्नो क्या? पढ़ाई पता क्यों जरूरी है? पढ़ाई जरूरी इसलिए है ताकि आपको हर चीज का बेस पता हो। ऊपर ये देखो भाई भाग गया। भागने नहीं दूंगा। कुनाली ज्यादा जरूरी है ये पढ़ो। तो अब गाइस टाइम आ चुका है, साहिल को दवाई लगाता हूँ मैं। ये जो मैं लगा रहा था ना, अब साहिल को लगाता हूँ। साहिल को तो मैं ही लगा लूंगा, मुझे पता है, मेरे को एक्सपीरियंस है ना, साहिल को मैं अच्छे ठीक कर दूंगा। तो गाइस साहिल को दवाई तो लगा दिया है, अब मैं अपना सारा सामान लेके चलता हूँ यहाँ से, बिकॉज मेरे को तो रहना नहीं है। मैं अपने चार्जर ब्रश वगैरह सब ले रहा हूँ यहाँ से। तो गाइस आज मैं सोऊंगा यहाँ पे सोफे के बगल में, यहाँ पे चारपाई है ना, तो आज यहाँ पे सोऊंगा मैं अपना सारा सामान ले, एडिटिंग यहीं पे करेंगे मस्त। बिकॉज आज घर में गेस्ट आए हुए ना, वही पनीर की सब्जी आपको बताया था ना, कोई स्टूडियो में सोया है, कोई बाहर सो रहा है, कोई नीचे सो रहा है यहाँ पे, लेकिन एडजस्ट कर लेते कोई बात नहीं। पीयूष कुनाली चाचा चाची यहाँ सोएंगे, चार जने इस बेड में सोएंगे। तो साहिल के बेड पे नीम के पत्ते बिछा दिए हमने यहाँ पे, और ओरियो अपना मस्त हो रहा है अपने बेड पे, यहाँ पे गुस्सा भी कर रहा है, देखो गुस्सा भी कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है? चलो मैं चलता हूँ अपने बेड पे अब। तो भी गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, और देखो इसको मैंने रूम जैसा बना लिया, वहाँ पे पर्दा लगा के इसको रूम जैसा बना लिया मस्त। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई की थी, पढ़ाई की थी, गेमिंग की स्पेलिंग बताओ, गेमिंग की स्पेलिंग GIME अभी तक नहीं आती, गेमिंग की स्पेलिंग।